बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की देव से महादेव पुस्तक के मराठी संस्करण का पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने विमोचन किया। इस दौरान भैयाजी जोशी ने कहा कि सबसे भ्रमित करने वाला प्रबुद्ध वर्ग है। देखिए इस रिपोर्ट में। देव से महादेव किताब के लेखक से लेकर सियासत के सेवक तक का सफर तय करने वाले बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की किताब दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। वहीं अब देव से महादेव किताब का मराठी संस्करण भी निकल चुका है, जिसका विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया। आकाश विजयवर्गीय ने अपनी किताब लिखने के सफर के बारे में बताया और किताब की खासियत भी बताई। कोई ऐसी सूत्र मिल जाए जिससे उसके अंदर एक आग आ जाए कि वो जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा उसके अंदर जाग जाए, ऐसा फिर भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता से कुछ चीजें मिली। शिव जी का मुझ पर हमेशा से कृपा रही है, मैं उज्जैन में पढ़ा हूँ, प्रतिदिन आखिरी साल तो महाकाल मंदिर जाते थे तो खूब आशीर्वाद उनका रहा है। तो मुझे लगा कि शिवजी जन जन से जुड़े हुए हैं, आप गली मोहल्ले में जाएं शिवजी के मंदिर तो हो सकता है इससे कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। तब मैंने शिव पुराण का अध्ययन प्रारंभ किया। शिव पुराण के अध्ययन एक बार तो पढ़ लिया, कुछ पॉइंट्स मार्क किए, दूसरी बार जब पढ़ा तब मेरा दिमाग में एकदम ऐसे विचार आने लग गए, तब मुझे समझ में आया कि ये जो शिव पुराण है ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है बल्कि पूरी तरह से एक वैज्ञानिक पुस्तक है, कॉस्मोलॉजी है, पूरा एक विज्ञान है कि ये पूरा एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। और अभी तक जो लेटेस्ट रिसर्च अमेरिका ने नासा ने की है वो सब भी शिव पुराण के अंदर मेंशन है, ऐसा मैंने पाया। तब मुझे लगा कि मुझे बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो लिखना चाहिए। मैंने लिखना प्रारंभ किया और लिखते लिखते एक समय तो ऐसा आ गया था कि मैंने भगवान से बोला कि भगवान इतना आप ज्ञान दिए जा रहे हो मगर मैं इसका करूँगा क्या, मुझे तो थोड़ा सा एक सॉल्यूशन चाहिए था, किसी गरीब आदमी से अगर मिलूँ तो उसकी गरीबी दूर कर सके ऐसी कुछ आप चीज़ दे दीजिए। इसमें परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिला क्योंकि मैं कमरे में ही रहता था, तीन तीन चार चार दिन तक कुछ विचार करने बैठो, ध्यान में बैठो तो चौथे पांचवें दिन से कुछ ज्ञान आना चालू होता था जब ऊपर सिग्नल कहीं कनेक्ट होते थे। तो इस प्रकार से फिर मैंने, क्योंकि ऐसा लगा कि यार ये अगर लिखना है वाकई में तो घर में संभव नहीं है, तो एक डेढ़ महीने उज्जैन रहा, दो तीन महीने हरिद्वार रहा, हमारे महंत जी हैं रघु मुनि जी उदासीन अखाड़े के उनके आश्रमों में रहा और वहाँ पर रह के पुस्तक लिखी। फिर भी बहुत संघर्ष, मतलब विचार तो बहुत थे, ज्ञान तो बहुत आ रहा था मगर ये समझ में नहीं आ रहा था कि इससे किसी के जीवन में मदद कैसे मिल सकती। फिर हरिद्वार में तो एक दिन मैंने थान ही ली, मैं मंदिर में बैठा बोला भगवान अब इतना अपने 8-9 महीने मैंने लगा दिए, अब तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे हम यहाँ से, वरना अब यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, मैंने तो ऐसा सोच लिया था। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने किताब की तारीफ करते हुए किताब की खास बातें बताई। परंतु अग्रक्रम में पुस्तकों को पढ़ना है तो धार्मिक पुस्तक कभी समय मिलेगा तो पढ़ेंगे, ऐसे मानसिकता वाले होने के कारण मैंने रख दिया। तो फिर जब आया कि भाई इस कार्यक्रम में जाना है तो मैंने कहा एक बार देखे तो सही पुस्तक क्या है, तो ध्यान में आया कि यह पुस्तक कोई धार्मिक पोथी पुराण जैसा तो नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है ये मैं जब सोच रहा था तो इसमें धर्म है, इसमें अध्यात्म है, इसमें संस्कृति है, इसमें परंपराएं हैं, इसमें विज्ञान है, इसमें ज्ञान है, इसमें कर्मयोग का मार्ग है, इसमें
तपस्या का मार्ग दिखाया हुआ है, इसमें कर्म का मार्ग दिखाया हुआ है, व्यक्तिगत जीवन में साधना करनी चाहिए उसका मार्ग बताया हुआ है। और इसलिए यह एक जिसको इस प्रकार की यात्रा में चलना है, मैं इस प्रकार की कहता हूं तो कभी कभी लगता है कि धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा नहीं, जिसको अपने अंदर के सब प्रकार की अशुद्धता को निकालकर शुद्ध होकर शिवरूप होने की दिशा में जिसको चलना है उसको इस प्रकार के मार्गदर्शक पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता रहती है। उस आवश्यकता की एक पूर्ति आकाश जी के इस प्रयत्नों से हो रही है। भैयाजी जोशी ने कहा कि देश में एक वर्ग है जो खुद को प्रबुद्ध मानता है, लेकिन सबसे भ्रमित करने वाला वर्ग प्रबुद्ध वर्ग ही है। यह सिविल सोसाइटी के नाम पर समाज में विद्रोह और अविश्वास का वातावरण निर्मित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार के नाम से भी ऐसा ही चल रहा है। अगर मानव अधिकार की बात करना है तो सभी के लिए एक जैसा मानव अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसमें राजनीतिक दृष्टि का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अगर हम सबके सामने चुनौती है तो समाज को गलत रास्ते पर गलत दिशा में भ्रमित करने का काम दो प्रकार के लोग कर रहे हैं। एक है प्रसार माध्यम, प्रसार माध्यम है। कभी कभी कहा जाता था कि पत्रकारिता एक मिशन है, आज मिशन तो नहीं रहा, और मिशन क्यों नहीं रहा तो विजन नहीं रहा, और विजन न रहने के कारण मिशन नहीं है, और फिर वो एक व्यवसाय बन गया, जब बिजनेस बन गया, जब धंधा बन गया। तो मैंने एक बहुत जानकार मीडिया हाउस के व्यक्ति से पूछा मैंने कि आप क्या देना चाहते हो, और जो लोगों को चाहिए वो देंगे। मैंने कहा लोगों को चाहिए देने के लिए आप नहीं हो, लोगों को जो देना चाहिए वो देने वाले आपको बनना है। क्या देना है समाज को, कौन सी दिशा में ले जाना है? क्या आज इस प्रकार के मैं केवल प्रसार माध्यम मतलब केवल मैं टीवी और समाचार पत्रों तक नहीं कहूंगा, समाचार समाज में लिखने वाले लेखक, समाज में विचार देने वाले प्रवचनकार, कथाकार, इन सब ने इस प्रकार के प्रसार माध्यम इस नाते इन सब का उपयोग करते हुए जो समाज में देना चाहिए वो देने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। आज सबसे भ्रमित अगर करने वाला कोई होगा तो वो अपने आप को समझदार, अपने आप को प्रगतिशील, अपने आप को प्रबुद्ध माना जाने वाला वर्ग है। जो वास्तविक होता है वो कभी कहता नहीं है मैं प्रबुद्ध हूं। और नए नए शब्दावली का प्रयोग करते हुए ये सिविल सोसाइटीज क्या होता है, कोई कहते ये प्रबुद्ध वर्गों की देन है। सिविल सोसाइटीज के नाम पर समाज के अंदर सब प्रकार के विद्रोह, संघर्ष, परस्पर अविश्वास का भाव निर्माण करने का काम जो अच्छा चल रहा है उसके प्रति उदासीनता, और जो कमियां हैं उसको उजागर करते रहना, यही काम अगर सिविल सोसाइटी के नाम से चलता हो, मानवाधिकार के नाम से चलता है, वो भी एक सिलेक्टेड ह्यूमन राइट्स। अगर मानवाधिकार की बात करना है तो प्रामाणिकता से सभी मानवों के अधिकारों की बात करें, लेकिन केवल एक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर और वास्तविक होने वाले अन्यायों की अनदेखी करते हुए केवल राजनीतिक दृष्टि से मानवाधिकार शब्द का प्रयोग करते हुए अनावश्यक संघर्ष की ओर ले जाना ये काम हो रहा है। कुल मिलाकर विधायक आकाश विजयवर्गीय की पुस्तक विमोचन में उत्तम स्वामी महाराज, अन्ना महाराज, लक्ष्मण दास महाराज, गोकुल उत्सव महाराज, पद्मश्री भालू मोंडे, मेघना ताई सहित कई वरिष्ठ और बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।